हेलो जुनेद भाई, कैसे हैं आप? हाय कबीर, हाय. आई एम सॉरी, आई एम लेट बाय 7 मिनट. आई एम सॉरी. नो, दैट्स ओके, दैट इज टोटली फाइन. आई वाज टॉकिंग टू द ऑडियंस, मैं उनको बता रहा था. सो दे आर आल्सो एक्साइटेड, सब बहुत एक्साइटेड हैं आपको लाइव देखने के लिए यहां पे. वाओ, आई एम एक्साइटेड टू टॉक टू यू एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स लोगों के जो क्वेश्चंस है उसको जवाब देने के लिए बहुत प्लेजर टू बी ऑन योर लाइव. थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू. प्लेजर इज माइन ब्रदर. तो आई वाज सेइंग मैंने ना नोट्स बनाए हुए हैं बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आई वांट टू कवर एंड लास्ट में ना. So this is how the life is going to go. पहले हम आपसे बात करेंगे about your personal life, professional life and some other stuff. And end में I got 5 questions जो लोग आपसे पूछना चाहेंगे. So मैंने वो भी लिखे हुए हैं. And अगर end में आपके पास time होता है, we can get some questions from the comments. I have all the time. मैं थोड़ा late इसलिए हुआ ताकि मैं सब कुछ free हो जाऊँ. आप 2 घंटा ले लो. मैं चाहता हूँ कि आपने सवाल पूछने पूछिए क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे स्क्रिप्ट मत भेजिए. आपको जो पूछना है पूछिए. Because I believe when you are true, you don't need a script. That is very true. That is very true. But you know, mere saath kya hota hai? What I do is, like I sent you a workflow, like a list of topics. Yes. So kabhi kabhi na aisa hota hai. Some people want to avoid some topics. So maine kaha ki uncomfortable kisi ko nahi karna apne saath. It's all you know. Uncomfortable rahunga to main directly aapko bol dunga ki I think we should not talk on this. Simple. हाँ जी. Perfect. ठीक है. Because वो भी एक सच्चाई है ना कि यार जुनैद doesn't want to talk on this topic. Simple. हाँ जी. Perfect. ठीक है. No, but it's really good to have you here. पहली चीज़ मैं आपसे पूछूं. जी. How does it feel to be live on Health by Kilo? It feels amazing and मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. तो मजाक कर रहा हूँ ऐसा कैसी बात. नहीं, मैं सच बता रहा हूँ. मैं आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो कंटेंट क्रिएट करते स्पेशली यू नो रिलेटेड टू फिटनेस और स्पेशली जो आजकल न्यूज चैनल्स चल रहे हैं. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज यू नो किसी और के बारे में इन्फॉर्मेशन लाना और किसी को गाइड करना. जैसे आपके वीडियोस में देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस आप गाइड करते हो स्पेशली जो आपने रिसेंटली बनाई थी फेक सप्लीमेंट के बारे में. हाउ द पीपल यू नो स्प्रेड अबाउट फेक सप्लीमेंट. तो यू नो कहीं ना कहीं वो एक आप जो काम कर रहे हो ना किसी ना किसी की मदद कर रहा है. तो बोलते ना कि हम यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज फ्यू एंड द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली विल चेंज. तो मुझे लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर पीपल लाइक यू हु आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो जब मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इस तरीके का मौका मिला कि कुछ इस नॉलेजेबल इंसान के साथ में लाइव करने का मिलेगा जो मुझे कुछ इस तरह के सवाल पूछेगा जिससे शायद मैं भी कुछ सीख सकूं और ऑडियंस भी कुछ सीख सके. नहीं, बट इट्स एन ऑनर टू हैव यू. लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप आएंगे. यू विल टेक टाइम आउट टू बी ऑन द लाइव विद मी. अप्रिशिएट ब्रदर. आई एम ऑलवेज इन फॉर द लॉजिकल एंड प्रोडक्टिव क्वेश्चन. हाँ जी. सो Guys, आप लोग जानते हो भाई को एंड इंडिया के फर्स्ट IFBB प्रो मेंस फिजिक एंड इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर. मैं बताना मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, वैसे सब आपको जानते हैं अच्छे से. सो वी कैन स्टार्ट. आई एम सो आई फील लकी लाइक आप आए मेरे साथ लाइव एंड आई हैड अ फ्यू पीपल एंड आई एम आल्सो प्लानिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो उसमें भी आई वुड लव टू हैव यू एंड अब हम शुरू करते हैं. जी. तो हाउ आर यू? हाउ इज योर फैमिली? आई एम गुड ब्रदर. फैमिली इज गुड. गॉड इज काइंड. Everybody is healthy. That's more important. Mm-hmm. You tell me, how's everybody at home? And you are healthy, happy? All perfect. Thank you so much. India mein nahi hai, wo Qatar mein hai. I'm the only one here right now. I'm also leaving soon. Yes. So aap Qatar aage jaana hai? Nahi, Qatar mujhe jaana hai. Main jab US jata hu na, to Qatar is one of my favorite airline. To wo Qatar mein Doha mein hold hota hai. But obviously wo hold 1.5 ghante ka rehta hai. To kabhi mauka nahi mila. But I want to visit Qatar. If you do, please let me know. मेरा घर इज ऑलवेज ओपन. कम इन एंड स्टे विद अस इफ यू वांट. आई विल फॉर श्योर ब्रदर. आई अप्रिशिएट बिकॉज़ इंडियन इंडियंस का वहां पे ऑन अराइवल वीजा है. सो दैट इज द गुड पार्ट फॉर अस. ओह आई डिडंट न्यू दैट. हां जी. सो यू कैन लाइक अगर आप आते हैं एंड आपकी फ्लाइट अगर आपको थोड़ा डिले करना है यू कैन लाइक गो आउट ट्रैवल एंजॉय एंड देन यू कैन कम बैक फॉर द फ्लाइट लेटर ऑन. ओह वाओ. नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही फिर रखूंगा जिसका लेओवर थोड़ा ज्यादा हो स्पेशली रिटर्न. हां जी. राइट. परफेक्ट. ठीक है. आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके लेवल पे जब लोग होते हैं यू नो ऑन फिजिकली एंड ऑनलाइन द ऑडियंस यू बिल्ट आई एम सो ग्लैड टू सी यू आर स्टिल हम्बल. अच्छा लगता है ये देख के कोई ऐसा है अभी भी इस इंडस्ट्री में. लोग सिर चढ़ जाते हैं आपने देखा होगा. राइट. हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड स्टे हम्बल? आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड हम्बल और ग्राउंडेड. आई जस्ट यू नो ट्राई टू बी माई सेल्फ. और जो मुझे अपब्रिंगिंग मिली है और जो मैंने जिंदगी से और अपने घर वालों से सीखा है
मुझे ऐसा लगता है कि दिस ऑल ऑल थिंग्स आर गुड, यानी कि जो सक्सेस है, नाम है, फेम है, प्यार है, लोगों का सपोर्ट है, इट्स ऑल गुड, हर किसी को चाहिए, तभी लोग मेहनत कर रहे हैं. लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इन द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन, एंड अगर कोई इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है या आपको प्यार दिखा रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको कोशिश करके अप्रिशिएट करें, इंस्टेंट ऑफ यू नो, हाँ ठीक है, यू नो, इफ समबडी इज कमिंग एंड टेलिंग मी, ओ आई लव योर फिजिक, आई एम लाइक ओके थैंक यू, मीन्स यू नो आई लव योर वर्क, ओके थैंक यू, बिकॉज वो इंसान तारीफ कर रहा है, तो तारीफ करके आप अप्रिशिएशन ले रहे हो, ओके थैंक यू बोल रहे हो. बट इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी सब तारीफ कर रहे हो तो आप आसमान पे चढ़ जाओ, बिकॉज कि जो फेम, नेम, सक्सेस है ना, इसका एक पीरियड रहता है, ये एक टाइम के लिए आती है, फिर एक टाइम के लिए जाती है, फिर वापस आती है. इट इज ऑल अबाउट योर लक, योर डेस्टिनी, योर अपॉर्चुनिटी. यू हैव नो आइडिया व्हेन इट विल कम. जिसे बोलते ना कि ये यूं आता है ना, तो यूं जा भी सकता है. बिल्कुल सही बात है. I'm Muslim and I always say that you know follow your religion and respect other religions. So I obviously respect all the other religion. But मेरे religion में सिखाया जाता है कि अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है. तो मैं नहीं चाहता कि अगर उसने मुझे कुछ दिया है तो मैं इतना ऊपर चले जाऊं कि वो सब कुछ छीन ले मुझसे. तो वो डर है खुदा का, परवरदिगार का. इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार ठीक है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, हर किसी को तारीफें पसंद है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल. God bless you. मैं भी लोगों को सेम चीज बोलता हूँ कि उड़ के कहाँ जाओगे, एंड में आपने जमीन पे ही आना है. Stay grounded. हाँ, मींस यानी कि यू नो यू कैन नॉट से, अगर कोई गारंटी वारंटी रहती ना कि ये जो चीज है ये हमेशा रहने वाली है, तो अगर आप में वो मैं वाला फैक्टर आ गया ना, तो बहुत बात अलग है. मैं बहुत सारे कोट्स पढ़ता हूँ, तो एक कोट मैंने बहुत पढ़ा था, इट्स काइंड ऑफ अ शायरी, कि जिसमें मैं की हवा लग गई उसे ना कोई दुआ और ना कोई दवा कभी नहीं लग सकती. वाह, दैट इज वंडरफुल. क्योंकि आखिरी तो वही है ना यार, देखो एंड ऑफ द डे जो मर जाते हैं उनमें ही अकड़ होती है, जिंदा रहते हो तो नरम ही रहते हैं, क्योंकि मर के तो कब्र में ही जाना है, तो फिर अकड़ किस बात की. बिल्कुल, एग्जैक्ट सेम थिंकिंग. इट हैज टू बी, दैट्स हाउ वी आर, दैट्स व्हाई वी आर लाइव. हाँ जी. So, आप इंडिया के फर्स्ट IFBB प्रो हैं. हाउ डिड इट फील टू गेट ऑन दैट स्टेज नोइंग कि यू नो एवरीवनस गोना नो कि पहले पहला हमेशा होता है. Like Neil Armstrong is known for, he was the first person who stepped on the moon. You're the first person who got the IFBB Pro card in India for men's physique. How does it feel? From from India. So it's like it's amazing. I feel blessed, and I thank Allah for all the opportunity he has given me, and I thank all the people जिन्होंने मुझे support किया, प्यार दिया, और मुझे इतना push दिया. क्योंकि you know लोग बोलते हैं ना कि motivation कहाँ से आता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी बातों से ही motivation आता है, उनके ट्रस्ट से ही मोटिवेशन आता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बात कर रहे हो कि पहले की, तो देखो फॉर मी आई एम वेरी स्टबर्न, मैं बहुत जिद्दी काइंड का इंसान हूँ, स्पेशली जब बात मेरे अपने पे आती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज अगर मैं पीछे पड़ जाता हूँ ना उसके, तो मुझे बस वो चाहिए ही चाहिए. आई मीन मैं उतनी कोशिश कर देता हूँ जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है. तो व्हेन आई कम्पीटेड 2013 शेरू क्लासिक, जब I become a champion, and then 2014 I was the guy who competed in Arnold Classic, and वो time पे कोई भी इंडिया से men's physique के अंदर में represent करने country को नहीं जाता था, और वो time पे बहुत बड़ी बात होती. 2014 में एक बंदा अमेरिका जा रहा है और इंडिया represent कर रहा है, तो you know वो एक kick था, wow मुझे ये करना है. हाँ जी. Right? तो मैंने वो किया, और वहाँ पे मुझे realize हुआ कि नहीं, this is to just, यानी कि आप गए हो, participate किए हो. You have to do something which can become a mark, which can become a history. Then, right. 2014 से मैंने ये चीज सेट कर ली थी कि मुझे, अब देखो, एक होता है IFBB Pro from India, जो बहुत controversial topic है, इसके लिए मैं एक line clear कर रहा हूँ. एक होता है IFBB Pro from India. From India means, जो इंसान इंडिया में रह रहा है, यहीं पे कर रहा है, सब कुछ यहीं पे कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और यहाँ से फ्लाइट लेके जा रहा है और कम्पीट कर रहा है. और एक होता है इंडियन. इंडियन आर द पीपल हु आर NRI, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. So there are people like a very close friend, like a brother to me, Freddie Naidu. He is Indian guy. He turned pro. He competed in 2016 in Olympia. He is also Indian, but NRI. I am the guy from India, but maine dekha ki from India, there is nobody who has ever turned pro. And why they didn't turn pro? Because there was no opportunity. Then I started searching on it. Maine ko laga ki kaise kare, kaise kare. Then there was a girl, Deepika Chaudhary, whom I consider my sister. She right. became the first figure pro from India. I've and she guided me कि आप इस तरीके से compete कर सकते हो NPC के shows में, और आप इस तरीके से pro card हासिल कर सकते हो. And that's how I went, and I, you know, मैंने अपनी कोशिश करी,
और बस सक्सेस मिल गई, बिकॉज आई बिलीव कि मेहनत मेरी है, रहमत उसकी है, मैं मेहनत करता रहूंगा, उसके ऊपर है रहमत कब करना है। तो नाउ आई हैव अनदर टारगेट जो मैंने अपने आप के लिए डिसाइड किया। ऑफ कोर्स मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि कोशिश करना मेरे हाथ में, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। दैट आई वांट टू बी द फर्स्ट गाय फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया फ्रॉम इंडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया। कि प्लीज इसको कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मत करना, बिकॉज आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर अदर एथलीट हु आर इंडियन, क्योंकि इंडियन हो या फ्रॉम इंडिया, मेहनत तो सबको करनी होती है, बट एक जो चीजें होती है ना, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है आजकल, स्पेशली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ मीन्स यानी आई थिंक इट्स अ वेरी थिन लाइन कि फ्रॉम इंडिया और इंडियन, बट उसको इतना ज्यादा वो कर दिया गया ना, मीन्स आई मीन इट्स अ वेरी थिन लाइन और बहुत छोटी सी चीज है, बट बात यही है कि समझना पड़ेगा। कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है या दूसरे लोगों ने मेहनत नहीं करी, एवरीबडी वर्क्स हार्ड, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि अगर आप जब तक के मेहनत नहीं करोगे वो दिख के आता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जर्नी मैंने, मीन्स जो ओलंपिया वाली जो बात थी ना, मैंने ऐसा सोचा था, और उसके बाद में मैं थाईलैंड प्रो कम्पीट किया, और थाईलैंड प्रो के अंदर में एवरीबडी न्यू दैट यू नो लास्ट मिनट थिंग्स वेंट रॉन्ग, इट वॉज नॉट इन माई फेवर, बट आफ्टर दैट आई डिडंट गिव अप कि अरे यार मैं लास्ट आया। यू नो लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट होप ऑन मी, लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज मी, बहुत कुछ यानी बहुत ट्रोलिंग हुई, सब कुछ हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट इफ यू सी मी फ्रॉम थाईलैंड प्रो टू नाउ, यू विल सी अ डिफरेंट जुनैद ऑलटुगेदर। दैट इज बिग डिफरेंस, बिकॉज इट्स लाइक मैंने आपको बताया, मैं जिद्दी हूँ और मैं इस जिद पे लगा हूं, पर मेहनत करता रहूंगा, आगे नसीब देखो, हो सकता है किसी और के नसीब में तोहफे मिल जाए। अभी जैसे बहुत सारे एथलीट मेरे से पहले कम्पीट करने वाले, तो अगर उनको मिल जाए तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि उसने मेरी जगह ले ली, ऑफकोर्स उसने नसीब उसका था, बट कोशिश करना हमारा काम है। बिल्कुल। सो अभी जैसे मैं देखता हूँ, आप हो गए, मनोज भाई हो गए, वी फील प्राउड, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। सो आई फील प्राउड ऑफ मायसेल्फ, कीप शाइनिंग। आपके तरुण गिल के, तरुण गिल पे क्या थॉट्स हैं? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका आंसर नहीं करना, मैं बता देता हूँ ना, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। नहीं मैं एक्चुअली मैं देखता ही हूँ, बिकॉज यू नो मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं कि यू नो दिस गाय इज डूइंग दैट, दिस गाय इज डूइंग दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा ना। मीन्स यानी इफ आई डोंट वांट टू वॉच हिम फॉर एनी रीजन, आई डोंट वांट, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ जो कर रहा है गलत कर रहा है सही कर रहा है, वो अपना जो कर रहा है उसको ठीक लग रहा है। अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, यू नो इट्स एवरीथिंग ऑन द फिंगर, आपको देखना है, आप देखो, आपको नहीं देखना है मत देखो, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सही कर रहा है उसको देखो, कोई नहीं सही कर रहा उसको मत देखो, बट यू नो मेकिंग इट स्ट्रेचिंग इट लाइक अ च्युइंग गम और उसको बढ़ावा देना कोई मतलब नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं आप वीडियो बनाओ, मैं बोला भाई मेरे वीडियो बनाने से अगर ये चीज रुक जाएगी तो मैं अभी बना देता हूँ। मेक सेंस? हाँ जी। नहीं बट द थिंग इज, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज जो लोग ये देख रहे हैं, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे ना वो बॉडी बिल्डिंग चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे कचरा कर रहे हैं, तो अगर आप लोग अभी देख रहे हो अभी चले जाओ, आप लोगों को यहाँ कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं मिलने वाली। Means there is nothing about controversy. It's like problem ये हो गया ना कि मैंने कुछ सालों में notice किया जितना social media बढ़ गया है कि आप अपना opinion भी रखते हो ना तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं opinion रख रहा हूँ इसको किस तरीके से लिया जाएगा। बिल्कुल। यानी आप यही चीज देखो कि if you see the news channels are abroad and those people are on YouTube on abroad, they also cover it. But you know यहाँ पे ऐसा है कि आप opinion रखते हो, वो opinion को ऐसा उसके thumbnail पे आ जाता है कि जुनैद कलीवाला ने इसके बारे में ये बोला। I mean, no, dude, I just gave my opinion. मेरे opinion के अगर आप respect नहीं कर सकते हो तो ठीक है, बट आप कम से कम उसको एक अलग एंगल में तो मत ले जाओ, क्योंकि जो इंसान वो देख रहा है, जैसे मैंने अभी कबीर के बारे में कुछ बोला है, तो कबीर ये थोड़ी ना सोच रहा है कि यार जुनैद ने पूरी कन्वर्सेशन क्या हुई थी, उसको वो कटा हुआ पार्ट मिलेगा और ऑटोमेटिकली मैं कबीर का दुश्मन बन गया। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। दैट इज व्हाई यू नो अपना ओपिनियन रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। So that is the reason, number one, I don't go much, interact much with people. ये मैंने कम कर दिया है अभी, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहता हूँ जो प्रोडक्टिव बातें करे, ग्रोथ की बातें करे, पॉजिटिविटी रखे बेसिकली। That is the way to go. इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ आपसे, ये मैंने टॉपिक रखा है बात के लिए जो इंडिया में आजकल चल रहा है, बट धीरे 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 उस पर चलते हैं। So the next thing that I have is आपका डाइट एंड ट्रेनिंग। So, पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं, बिकॉज काफी लोगों को ये जानना था, व्हाट इज योर ट्रेनिंग लाइक, व्हाट इज योर स्प्लिट लाइक। सो देखो पहले मैं ट्रेनिंग खुद करता था, सिंस यू कैन से लाइक दिस माय लास्ट शो आई वाज डूइंग माय ओन ट्रेनिंग, बट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे एक पुश की जरूरत है,
ऑब्वियसली मेरे साथ में जिम में कोई रहता था जो मुझे हेल्प कर देता था, पुश कर देता था, बट एक वो होता ना जो प्रॉपर आपने किसी को अपॉइंट किया एज अ ट्रेनर, हाँ जी, जो आपको डंडे लगा रहा है, जरूरत पड़ती है कोच की। जैसे एक होता है स्कूल होता है, ठीक है, एक होता है स्कूल होता है और एक होता है स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल जा रहा था बट मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, एंड इट इज ओके टू एक्सेप्ट कि मुझे जरूरत है, अगर मुझे जरूरत है तो है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ स्कूल जाके टॉप ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके भी टॉप ला सकते हैं। तो आई रियलाइज समवेयर डाउन द लाइन कि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है कि जो मुझे डंडा लगाए, बेसिकली पुश करे, मैं कर रहा हूँ, मुझे उससे अलग पुश करा है, मुझे कुछ नया ट्राई करा है। बिकॉज हम जब खुद करते हैं ना कबीर, तो हमें लगता है कि ओके यार, मीन्स स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, तो क्या एवरी वीक योर बॉडी चेंजेस, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन योर बॉडी, यू नो, लॉट ऑफ मैनिपुलेशन हैपन। तो हमें हर बार ऐसा लगता है, अच्छा पंप किया तो जिम में ऑटोमेटिकली चेस्ट पंप हो गया, बाइसेप पंप हो गया, तो हमें लगता है ओके आई डन। बट जब, जैसे आज की बात कर रहा हूँ, आई हैव डन अ शूट टुडे, आई वाज लिटरली क्राइंग इनसाइड कि भाई बस कर दे, बट मुझे जो ट्रेनर जिसको मैंने अपॉइंट किया तो ही पुश्ड मी, नहीं नहीं करना पड़ेगा। तो आई वांटेड दैट पर्सन, तो दैट्स व्हाई आई हायर वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर, हिज नेम इज सागर माली, ही इज फ्रॉम मुंबई, ही हैज वन कपल ऑफ टाइटल, बट फॉर मी व्हाट मैटर्स इज ही हैज नॉलेज अबाउट द ट्रेनिंग। सो सागर माली इज द वन हु इज ट्रेनिंग मी फ्रॉम लास्ट 4-5 months, एंड हिज ट्रेनिंग टेक्निक absolutely working very well on me, और मैं वही करता हूँ जो training से related मैं वही करता हूँ जो वो बताते मुझे, right? मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, because मुझे लगता है कि जब आप हेयर कट कराने जाते हो ना, तो आप सैलून वाले को बोलो भाई मेरे पर जो बाल अच्छे लगेंगे वो कर दो, अगर आपको जाके बताओगे इधर से कट करो इधर से कट करो, तो फिर वो बात उसके पास गए क्यों आप? बिल्कुल। तो इसी तरह न्यूट्रिशन की बात करें तो मैं जॉर्ज फरा सर के सुनता हूँ, वट एवर ही सेज आई डोंट आर्ग्यू विद हिम, राइट? मुझे सी, वाई यू हायर ट्रेनर, वाई यू हायर कोचेस, कि भाई मेरे को आप, मैंने जिंदगी, मेरी जो प्रिपरेशन है उसकी जिम्मेदारी आपको दे दी, आप मुझे जो दोगे मैं वो फॉलो करूंगा। इफ आई वांट टू पुट माय ब्रेन, देन व्हाई हैव अ ट्रेनर, व्हाई हैव अ कोच? करेक्ट, दैट इज करेक्ट, सिंपल लॉजिक। सो ट्रेनिंग वाइज सागर माली इज हेल्पिंग मी आउट एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग वेरी वेल ऑन मी। ओके, नहीं बस सी, दैट्स द थिंग, अभी क्या हो गया ना, जब कोई बॉडी बिल्डिंग करता है They think they know everything, but ये इतना depth में जा सकते हो, हर बंदे को इतनी अलग अलग चीजें पता होती हैं कि you need a coach. आप मानोगे नहीं, मैम मैं कट कर रहा हूँ आपको, सॉरी, आप मानोगे नहीं, मैं आज वीडियो शूट करके जब खत्म किया तो मैं मेरी टीम को बोल रहा था कि काश ये जो चीज मैं आज कर रहा हूँ ये मैं 5-10 साल पहले किया होता तो आज मैं कहाँ होता। बिकॉज जिस दिन आपको लगता है ना, ऑब्वियसली मेरे को ये पहले से कभी नहीं लगता था, लेकिन वो बात अलग थी कि एक टाइम आता है इंसान को समझने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू लर्न फ्रॉम पीपल, राइट? और मैं हमेशा सीखता हूँ, मैं आपसे भी आज कुछ सीख के जाऊंगा, जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उनसे भी कुछ सीख के जाऊंगा, मुझे जो भी चीजें सीखनी होती है मैं निकाल लेता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग में आप ये नहीं बोल सकते मुझे सब पता है, किसी को कुछ सब नहीं पता है। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑनेस्टली मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट प्रेप यू एवर डिड, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ ये प्रेप होती है, और मैं हर प्रेप में यही बोलता हूँ कि इसको बोलते हैं प्रेप, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग बेटर देन योर लास्ट टाइम, व्हाट एल्स यू डूइंग, यू वेस्टिंग योर टाइम। करेक्ट, दैट इज करेक्ट, आई मीन दैट इज अ वैल्यू दैट एवरीवन वॉचिंग शुड हैव, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, चाहे आपसे कोई बड़ा हो छोटा हो। अरे आप यकीन नहीं मानोगे कबीर, मुझे, मैं मींस एनी, आप यकीन नहीं मानोगे, देयर इज अ वेरी पीपल हु फॉलोज मी वेरी वेल, दे नो आई हैव अ टीम, महाराज सिद्धेश स्टूडियो 5, मुझे कभी कभी है ना महाराज जो है मेरे टीम मेंबर जो मेरे फोटोज वीडियोज निकालता है वो मुझे करेक्ट करता है पोस्ट के अंदर, भाई आप थोड़ा सा ऐसा करो, तो मैं उसकी सुनता हूँ और एक्चुअली इट वर्क्स। हाँ जी, तो मैं ये नहीं बोलता भाई तू फोटोग्राफर है तू अपना काम कर, नहीं, if he's telling me, I'm listening, and if it's working well on me, why not? Correct. जरूरी तो नहीं है ना कि एक पोजिंग कोच ही आपको बता सकता है कि पोजिंग क्या है। बिल्कुल। जहाँ से नॉलेज, सर क्या पता किसके पास क्या टैलेंट हो? हाँ जी, करेक्ट। सो आपने देखा होगा इंडिया में एंड बाहर भी काफी ऐसे बॉडीबिल्डर्स होते हैं who have phases, आपका बल्किंग एंड कटिंग फेज, एंड दूसरे होते हैं जो मेन गेन करते हैं पूरे साल। जी। So what's your technique? आप कैसे करते हो? So if I'll say what I'm supposed to do as per my coach जॉर्ज फरा, I'm supposed to stay under 90 kg throughout the year. Okay. And
you know, focus on building lean mass. And so kind what of I do is, yeah, this is what my coach want me to do from last almost a year and a half, I can say, or maybe 2 years. But what I do is, I give him excuses, lockdown hai, family function hai, shaadi hai, and I eat because I'm a foodie. But now, this is the first time in the last so many years ki, I've been on diet since December end, after my birthday. And this is like almost 9 months crossed December end to, yeah, my birthday is on 20-21st, I started my dieting. So 21st to 9 months complete, okay, we are in the 10th month that I'm consistently on diet. And I now I realize why George wanted me to follow the diet the entire year. Right. Sahil bhai is also here. How to gain size in lockdown? As Junaid had gained good size. I gained a good size, Sahil bhai, no doubt about it. But I gained size with a lot of fat, and which impacted me a lot on my last show. And that made me learn a lot. Because just since you talked about off-season, one thing I realized, you know, बहुत बार आपने सुना होगा कि your off-season, जैसा आप करते हो ना, it is the result you see in the on-season. आपने सुना होगा कि आप off-season में क्या करते हो, वो on-season में दिखता है. But हमारे यहाँ पे culture वो नहीं है. हमारे यहाँ पे culture है, खाओ पियो मोटे हो जाओ और last के 12 हफ्ते में shred हो जाओ. But इस बार मैंने, क्योंकि since every year you go deep inside, मैं ये बार बहुत ज्यादा स्टडी किया, रिसर्च किया, मैंने नोटिस किया हर एक चीज को. बिकॉज यू नो द लेवल यू गो अप एवरी टाइम, इट नीड अ डिफरेंट यू, इट नीड अ हायर कॉम्पिटिशन. सो वहां पे मैंने देखा कि गड़बड़ क्यों हो रही है. और मेरा लास्ट शो में फकअप होने का भी गड़बड़ इसीलिए था क्योंकि मेरा जो ऑफ सीजन था इट वॉज वेरी बैड. हाँ जी. तो जब आप ऑफ सीजन में बहुत कुछ खाते हो ना, अननेसेसरी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक जंक फूड एंड ऑल दिस शिटी फूड, यू गो फैट, उसका रिजल्ट आपको ऑन सीजन दिखता ही दिखता है, ऑन स्टेज दिखता ही दिखता है. बिकॉज यू नो योर एस्ट्रोजन लेवल इज सो हाई एंड पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग एनी ऑफ द थिंग दैट डजंट मैटर. बट टू गिव द नॉलेज, योर ऑफ सीजन इज लाइक यू हैव टू बी क्लीन एज फक. यानी कि आप ऑफ सीजन में ऐसे होने चाहिए कि 6-8 हफ्ते में आपका शोर. राइट. एंड आई हैव डिसाइडेड कि नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कीप दिस ऑल ईयर अराउंड. परफेक्ट. मैं यही देख रहा था, यू थैंक गॉड आप यू आर मूविंग अहेड ऑफ टाइम. पहले क्या होता था, जे कटर को देखो, अगर आप रॉनी कोलमन को देखो एंड अ फ्यू अदर्स, दे यूज्ड टू बल्क अप एंड देन कट डाउन. बट अब जो नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, दे आर मेन गेनिंग, जो इंडिया में अभी तक आया नहीं है. इंडिया में वो पहले बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं. सो इट्स गुड टू सी फाइनली आप आ रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं जो आर लर्निंग द न्यू टेक्निक्स. बिकॉज जैसे देखो क्या होता है कि आप जहां रहते हो ना, वहां का आसपास का माहौल बहुत इंपैक्ट करता है. अब जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं चाह के भी बॉम्बे के अलावा की लैंग्वेज नहीं बोल सकता. मेरे मुंह से वो बंटा अंटा ये निकलेगा ही, बिकॉज दिस इज आर मुंबई कर लैंग्वेज. कोई दिल्ली में रहता है तो उसकी दिल्ली की लैंग्वेज निकली. तो इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग है, जहां आप रह रहे हो, आप देख रहे हो सबके सब यही कर रहे हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि नहीं 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 ये नहीं है भाई, आपको इस तरीके से जाना है. और वो चीज जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, जो मैंने खुद करी 2022 के अंदर में, मैंने बहुत कुछ सीखा. और स्पेशली मैंने ये सीखा कि भाई अगर टॉप पे रहना है, सीधी बात, एवरीबडी इज हियर टू बी ऑन टॉप, राइट? एवरीबडी इज हियर वर्किंग हार्ड. कोई ये नहीं बोल रहा ना कि मुझे तो बस खाली रहने के लिए रहना है. और अगर रहने के लिए रहना है तो रह रहे हो, मैं तो टॉप पे रहने के लिए कर रहा हूँ. तो अगर टॉप पे रहना है और टॉप के एथलीट से कम्पीट करना है, तो ईयर अराउंड यू हैव टू डू दिस वंस इन अ वीक और मे बी वंस इन 6 months यू गो आउट विद अ वेकेशन विद फैमिली फॉर अ वीक, दैट इज फाइन. बट यू कांट जस्ट like enjoy the vacation for 9 months and 3 months. No, it's not a fat loss package for 3 months. You have to do it year around. Mm-hmm. That is correct. That is very true. So, aapka, what is your diet like? Maine abhi aapne, I think, perso story dala tha. Kal ya perso, chicken and veggie, very clean. No, it was egg whites and asparagus. My last meal I posted. Achha, asparagus ke saath tha wo, right? Yes. So do you have it like all your meals are similar or do you add simple carbs? No. My meals are different. So it's like keep changing, but if you tell me, if you ask me about now, so like my morning start with, of course, morning cardio, and after that, my first meal is egg whites with potatoes and mushrooms, and then the second meal is chicken and rice with broccoli, and also I add some fiber because you know I have started using that called True Native ka everyday fiber. That is the wonderful. Best part is it is pocket friendly.
एंड यू कैन मिक्स इट इन द फूड. तो जब मैं चिकन बना रहा होता हूँ ना, तो मैं उसके अंदर में जितना क्वांटिटी चिकन बना रहा हूँ उसके हिसाब से मैं डाल देता हूँ. तो वो एक टेबल स्पून में कुछ 5 ग्राम के आसपास में फाइबर मिलता है. सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप उसको बनाने के टाइम पे डाल देते हो, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज यू नो आज की तारीख में वेजिटेबल्स ढूंढने जाते हो, मिलता है कभी खराब मिलता है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड दिस फाइबर इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली. सो मेरे हर जब भी चिकन राइस ये सब बन रहा है उसमें मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ, बिकॉज फाइबर अच्छा ही है बॉडी के लिए. बिल्कुल. तो वो हो गया. फिर उसके बाद में फिश है. फिश इज द थिंग आई हेटेड द मोस्ट इन द एंटायर करियर ऑफ बॉडी बिल्डिंग. आई नेवर लाइक ईटिंग फिश बिकॉज मुझे ना फिश खाने से वॉमिट हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन ईट दैट फिश, फ्राइड फिश, राइट? यू ईट दैट स्टीम फिश, यू ईट दैट बॉइल्ड फिश, यू ईट दैट यू नो ग्रिल फिश. अब ऑब्वियसली हम यूएस में तो रहते नहीं कि हमारे पास में बारबेक्यू रहेगा हम करके खाएंगे. तो यू नो मुझे इतना पसंद ही नहीं था खाना, यानी लाइक जब भी मैं खाता था ना मुझे वॉमिट हो जाती थी. बट आफ्टर थाईलैंड आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल मील जिसके अंदर फिश हो. ओके, दैट इज वंडरफुल. सो व्हाट टाइम करना है ना, ये करना है ना, तो ये करना है, जिद है बस, ये चाहिए ना तो चाहिए. इफ अगर गुरु ने बोला है कि ये खाना है तो ये खाना है, फिर तुम कहीं से भी अरेंज कर लो. कौन से टाइप का इस तरीके से चलता है? Is it fatty? You know, I've been obviously recommended cod and right. salmon, but cod यहाँ पे मिलता नहीं है, तो I use either basa or either tilapia. But most over, I use basa because that is more preferable and available very easily. और pink salmon is available. बीच में बारिश की वजह से नहीं आ रही थी, तो Indian rawas खा रहा था, but now it's back to pink salmon. So ये है fish, chicken, salmon. देखो, diet के अंदर में कोई भी इंसान जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी वही खाता है जो फिलिप खाता है. बिल्कुल. जो जर्मी बुंडिया खाता है, जो रॉनी कॉलमन खाता था, जो जे कटलर खाता था, यानी कि आप कुछ अलग नहीं खा सकते. इट इज सेम. आप अगर नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप क्या खाओगे? अंडे खाओगे, चिकन खाओगे, फिश खाओगे, मटन खाओगे, वट एवर इज इन योर डाइट एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. आप कार्ब्स में क्या खाओगे? चावल खाओगे, स्वीट पोटेटो खाओगे, व्हाइट पोटेटो खाओगे, ओट्स खाओगे, व्हाट एल्स यू गोना ईट? It is same. Basics. It is just a different quantity according to your body and different choice of food, how it reacts on your body. कोई ओलंपिया थोड़ी ना, कोई अलग से उसके लिए खाना बन के ऊपर आसमान से नहीं आता है. He is the same food. He is human. Right. तो सबका डाइट सिमिलर ही होता है. It's just कोई some people prefer high carb, some people prefer low carb, some people prefer high fat, high protein. So ये अपने अपने तरीके है, but end of the day everybody has to eat the same similar food. Correct. And apart from bodybuilder, if you see, agar aap aas paas mein dekhoge na, aapke ghar wale bhi wahi khana khate, sirf unka khana banane ka tarika alag hai. Bilkul. Correct. Agar aap tarika change kar doge to aap bodybuilder jaisa khana kha rahe ho, aap tarika change kar doge to aap ghar walon jaisa khana kha rahe ho. Haan ji. Ji. Correct. ठीक है. सो व्हाट आपका क्या प्रेफर मेथड है? डू यू गो लो कार्ब, डू यू गो जीरो कार्ब्स टुवर्ड्स द एंड? मेरा कोई प्रेफर मेथड नहीं है. मेरा प्रेफर मेथड जॉर्ज फरा है. व्हाटएवर जॉर्ज फरा सेज आई फॉलो. आई मेरी आंखें कान सब बंद हो जाती है जब वो बोलता है. मुझे बस इतना पता है इसने ये बोला ये करना है. हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए. मैं ये चीज बिलीव करता हूँ बहुत दिल से, और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली. And if you can't trust your coach blindly, please change the coach. Right. Because, you know, agar aap coach hone ke baad mein bhi 10 logon se sawal puchoge, toh fayda nahi. So, aap abhi ye ek trend chal raha hai, intermittent fasting, keto, for the general public. What do you think about that? Ya logon ko karna chahiye? So, intermittent fasting, I believe it's a very good diet. But I feel, mera personal opinion ye hai ki you should do it for the certain period of time, but you should not do the entire life. Right. आप 2 महीना 3 महीना इट्स कूल, मींस यानी उससे ज्यादा मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा. पहले तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बट अगर somebody wants to try it out, जैसे मेरा सजेशन ये रहता है कि आपको जो भी ट्राई करना है बिंदास ट्राई करिए. यू शुड नो व्हाट वर्क्स ऑन योर बॉडी. तो 2-3 महीने के लिए ठीक है, बट नॉट द एंटायर लाइफ. दैट इज माय ओपिनियन. रही बात कीटो की, तो कीटो इज समथिंग इज नॉट न्यू, इट इज वेरी ओल्ड. एंड आई बिलीव वन ऑफ द गाय यूज्ड टू प्रमोट कीटो इज देव पलंबो. Right. तो जो obviously he's been one of my coach at that time in 2016 when Guru was not well at all. He was you know suffering from cancer. तो that time he was helping me out. जो उनका keto का style है और जो हमारे India में keto का style है, it's completely different.
सो उनके कीटो के स्टाइल में यू कांट टच डेरी, हमारे इंडिया के स्टाइल में यू कैन टच यू नो बटर चीज नहीं, पनीर तो चलो वेजिटेरियन का सोर्स हो गया, मैं नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ कि बटर चीज घी, और उनके कीटों के अंदर मैं अगर फैट की बात करो तो अवाकाडो, मैकेडेमिया ऑयल, मैकेडेमिया नट्स, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो कर रहे हो गलत कर रहे, शायद उनकी बॉडी पे काम कर रहा होगा तो कर रहे, लेकिन जो मैंने सीखा है उनसे दैट वॉज दिस कीटो, जहां पे आप यू नो ऑयल यूज करते हो स्पेशली मैकेडेमिया ऑलिव ऑयल, नट्स में आप मैकेडेमिया यूज करते हो, वॉलनट यूज करते हो, लाइक रियल फूड रियल फैट, एक्सपेंसिव वन, नॉट दैट अमूल बटर एंड ऑल दिस। हाँ जी, नहीं बट आजकल ना जैसे कोचेस आ गए हैं इंडिया में जो एक पूरी एकेडमी, उनका तो मैं नाम ही लेना चाहता, बट ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को कि अगर आप कीटो नहीं करोगे तो आपका वेट लूज होगा ही नहीं, सो ऐसे डरा दिए लोगों को यहाँ पे। यार देखो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बिजनेस, धंधा चलाने के लिए इंसान कुछ भी बोलता है, एंड यू नो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अभी आप मेरे ये थोड़ा विंडो खोल देना ना, तो मेरे भी एक क्लाइंट था जिसको किसी ने बोला था, आई मीन आई थिंक ही वाज डूइंग सम कोर्स ऑफ सम एकेडमी, तो उसे बोला गया था, वो साइड का खोल देना थोड़ा लाइट आ जाएगा, तो उसे भी बोला गया था कि आपको कीटो करना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी, ऑब्वियसली ही रिस्पेक्ट मी, ही वाज माय क्लाइंट, ही कम्पीटेड, ही वन द शोज ऑल्सो, तो ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि भाई आप बताओ ये क्या, यू नो ऑल दिस साइंटिफिक वर्ड कम्स इन। तो मैंने उसे सिंपल चीज बताया, मैंने बोला देख मेरे भाई, अगर तुझे लगता है कि ये तुझे ये जो बोल रहे ये सही है, मैं नहीं गलत साबित करना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे तुझे लगता है कि सही है तो फॉलो कर ले, तुझे लगता है मैं सही हूँ तो तू मुझे फॉलो कर ले, लेकिन इन सबसे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, हैव यू एवर सीन अ सिंगल बॉडी बिल्डर इन द हिस्ट्री हु बिकेम मिस्टर ओलंपिया, single men's physique athlete who became Mr. Olympia, single classic physique athlete who became Mr. Olympia, they are doing keto. हाँ जी, that is true. एक है, तो उसने बोला नहीं है, तो मैंने बोला तुझे जब खेलना शो है, हाँ जी, तो उसका देख, तो जनरल पब्लिक को क्यों अपने आप से कंपेयर कर रहा है? हाँ, अगर कोई होता कि भाई फिल ही कीटो किया है या ब्रेंडन हेड्रिक्सन कीटो करता तो मैं बोलता नहीं यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल है ना, अगर कोई एक है तो मुझे आप बता दो, मेरी नॉलेज में तो कोई भी एक ऐसा नहीं है जो ओलंपिया जीता है या ओलंपिया टॉप फाइव में आया और वो कीटो करता हो, तो मैं नहीं बोलूं कीटो गलत है, एवरीथिंग इज राइट इफ इट वर्क्स ऑन यू, बट इफ योर गोल इज टू गो दिस वे देन यू कांट ट्राई वेस्टिंग टाइम गोइंग दिस 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 वे, पता है ना यहाँ जाना है तो यही जाओ आप, अगर एक नॉर्मल इंसान हो जो जनरल फिटनेस करते हो, जिसका गोल है फैट लॉस करना है, लिटिल बिट मसल गेन करना है, टोन बॉडी करना है, तो आप दूसरे दूसरे रास्ते अपनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको पता है मुझे यहाँ जाना है और मेरे पास में टाइम लिमिट कम है, बिकॉज यू नो यू सी इफ आई टॉक अबाउट मेंस फिजिक, 2013 मेंस फिजिक स्टार्टेड एट ओलंपिया, 2011 द कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, 2013 के अंदर में द गाइज एट द ओलंपिया स्टेज लाइक मार्क एंथनी वाज द फर्स्ट विनर, जर्मी पुंडिया, सदीक हेजोविक, स्टीव कुक एंड जेसन पोस्टर, ये पांच लोग थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जेसन का मुझे नहीं पता, बाकी चार तो कंफर्म थे ये टॉप फाइव में। हाँ जी, तो ये जो चार लोग थे, ये चार लोग आज अगर आप जर्मी बुंडिया को देख लो, आप सदीक एजोरी को देख लो, या फिर आप इसको देख लो स्टीव कुक को, दे ऑल आर सक्सेसफुली डूइंग वेल इन देयर लाइफ, दैट इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज वो टाइम पे यूएस के अंदर ऑब्वियसली यूएस रन्स अहेड ऑफ अस, आपको तो ज्यादा पता होगा, तो वो टाइम पे सोशल मीडिया वहां पे पीक पे था, बिल्कुल, हाँ जी, राइट, जो यहाँ पे आने में दो चार साल लग गए, तो वहां पे पीक पे था, और पीक पे ये नए लड़के आए, नई कैटेगरी आई, तो इनको उतना अटेंशन मिला, इतना प्यार मिला, वो मिला, आज आप देखो जो लोग टॉप फाइव में आते हैं हार्डली दे हैव इवन अ इंस्टाग्राम फॉलोअर, दैट इज ट्रू, आप सेकंड थर्ड जो बंदे आते हैं आप उनको देखो, फर्स्ट के पास में आई थिंक थोड़े बहुत है, आई थिंक ही हैज मिलियन और समथिंग, मैं इतना चेक नहीं करता, लेकिन कभी नजर पड़ जाती है ना, तो सेकंड थर्ड जो है उनको देखो, because it is very difficult to build the market in this situation now, correct, that is very true, saturate ho gaya hai pura, abhi yahi dekho na indian market mein bhi jo ek time pe jaise 2016-17 mein jo 20s ke ladke the unko jo hype mila hai na unke pehle walon ko mila hai na unke baad walon ko mila hai, bilkul, aaj itne badhiya badhiya ladke aate hai na, sach mein bata raha hu kabir, I have so much respect for the people, they compete, they look phenomenal,
बट अनफॉर्चुनेटली आई फील समवेयर डाउन द लाइन सैड कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पोटेंशियल है, बट इनको कोई सपोर्ट नहीं है. और सपोर्ट तो सीधी सी बात है तभी मिलेगा जब आपके पास में एक नंबर होंगे, एक विजिबिलिटी रहेगी, तभी आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी, तभी कोई भी कंपनी आपके ऊपर स्पेंड करेगी. बिकॉज कंपनी भी तो ये सोचती है मैं इधर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न क्या होगा, राइट? क्योंकि वो कोई सगा वाला तो है नहीं. बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर आप किसी कंपनी की बात करो तो आप कोई भी कंपनी एक एथलीट को अगर स्पॉन्सरशिप देती है तो कंपनी पहले ये सोचती है कि इसका X10 मुझे मिलेगा. बिल्कुल, आई मीन इट्स अ बिजनेस इन द एंड. ROI मिलेगा, क्योंकि अगर आप उसको ROI नहीं दे सकते हो तो वो आपका सगा वाला नहीं है कि आपको पैसा देता रहेगा हर महीने या फिर आपको प्रोडक्ट देता रहेगा हर महीने. हाँ जी. तो आई सी लॉट ऑफ पीपल बट अनफॉर्चुनेटली उनको किसी को विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है फॉर व्हाटएवर रीजन, आई डोंट नो. और कोई कोई ऐसे जो बेचारे काम ही नहीं करते इंस्टाग्राम पे, हाँ जी, सोशल मीडिया पे काम ही नहीं करते ना, आई एम वेरी बिजी. तो लाइक आई जस्ट प्रे गॉड ब्लेस देम एंड इफ आई कुड हेल्प एनीबॉडी आई लव टू डू दैट. व्हेन आई वाज इन फ्लोरिडा अबाउट 5 इयर्स अगो, मैं मायामी में था, आई यूज्ड टू ट्रेन एट दिस जिम कॉल्ड यू फिट क्लब्स. So, वहां पे ना द बिगेस्ट गाय इन द जिम, देयर वाज अ गाय कॉल्ड डेविड ज़मोरा, वहां का लोकल था, फ्लोरिडा का. So, he used to train and I forced him. मैंने कहा भाई डाल इंस्टाग्राम पे वीडियोस. And he started posting pictures of his competitions, but उसने अभी फिर से बंद कर दिया because of his family life. He's busy with his family and everything. So, no, it's a job. Social media, it's a job. It's a full-time job. आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, पूरी कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, आप क्या डाल रहे हो. मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद में ये देखता हूँ कि अगर मेरी एक पोस्ट बॉडी की गई है तो दूसरी पोस्ट बॉडी की ना जाए तो बेटर रहेगा. हाँ जी. Until unless it's important, because you know, if how it's all about how you want to portray yourself. If you just want to portray about body, then you post about body, no problem. But if you want to portray about bodybuilding, lifestyle, fashion, fitness, then you have to combine all these pictures. Correct. मैंने आपको वो back post all this video. And when you were showing how to activate the back better, I saw your video. I think it's pinned on your profile as well. आपने अभी डाला. Yes. So that is also a wonderful video. वो काफी लोगों को insights देने वाला है. Yeah, I have made a couple of videos like this. क्योंकि मैं इस तरीके के videos YouTube पे बनाता हूँ जो बड़े होते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम पे एक एक मिनट के बनाए, शायद जो लोग बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहते उनको एक मिनट में एक एक्सरसाइज के बारे में पता चल जाए. करेक्ट. यू नो इट्स जस्ट लाइक इट्स माय जॉब एंड आई ट्राई टू डू इट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. सो आई रिमेम्बर जब आपने द फर्स्ट कॉम्पिटिशन दैट यू वन, आपने उसके बाद एक पोस्ट डाला था सेइंग कॉम्पिटिशन खत्म हो गया ना, आई एम गोना गो, यू नो, दिल भर के खाने वाला हूँ मैं, इफ यू रिमेम्बर. So what's which, that one thing? Competition? I think the IFBB Pro Card जब आप दीजिए थे उसी के बाद आपने post डाला था. It's a now gonna go. हो सकता है मैं डालूँगा. हाँ जी. So what is that one thing that you miss जब आप you know training कर रहे होते हो and you are prepping for your competition? खाने का. पहले बहुत करता था, अब नहीं करता हूँ सच में. तो पहले क्या करते थे आप? पहले बहुत कुछ है, नहीं कि you know I'm a big time foodie. I have a very sweet tooth. तो मैं आप जो बोलो मैं खाने के लिए तैयार हूँ यार. बट वही है कि डिलीशियस होना चाहिए और हाइजीन होना चाहिए. यानी कि मैं इतना फूडी हूँ ना कि आप मुझे ये पूछ सकते हो कि दिल्ली में कौन सी जगह है जहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, मैं दिल्ली का भी बता दूंगा आपको. यानी कि करीम्स चले जाओ, कुरेशी कबाब चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, ऑल दिस आई नो. यू टेल मी अबाउट द प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड चिल, यू नो आई टेल यू गो GK2. यू हैव अ लॉट ऑफ लाउंजेस एंड लॉट ऑफ क्लब्स. So, I'm a big time foodie. आप मुंबई की बात करो तो all this thing जब मैं पहले करता था ना, especially from the COVID, before COVID, तो ये सारी चीजें बहुत, अरे यार competition खत्म हुआ है ना, obviously everybody goes through that phases. तो वो एक चीज ऐसी थी कि यार अब मैं बर्गर खाऊंगा, अब मैं पिज्जा खाऊंगा, अब मैं नल्ली नियारी खाऊंगा, अब मैं ये खाऊंगा. बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई थिंक आई इवन आंसर इन द टूडेज क्वेश्चन आंसर somebody asked me. At this point of my life, I'm not here to crave anything. की ठीक है, दो दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि यार कुछ खाने का दिल है, मतलब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ने वाला है एक मील में. तो एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ देयर इज नथिंग एज सच कि आई वांट टू ईट दैट. करेक्ट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे क्या अचीव करना है और मुझे उसके लिए जो करना है मैं वो कर रहा हूँ. एक बार वो हो जाए उसके बाद में मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो जिंदा तो रहेंगे ना. करेक्ट. इट इज लाइक वेरी वेल सेइंग बाय जे कटलर, eat for purpose, not for the taste. Right. So my purpose is right now to do this and I'm eating for that. Right. और मैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर वो खाना 10 साल तक भी मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा.
तो फिर अगर बात यही है तो फिर मैं जिंदा रह रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा है, खत्म हो गई, चाहे मिले या ना मिले। आई वुड अपने आप को मैं इस तरीके से बेवकूफ बनाऊंगा कि जुनेद यू कांट अफोर्ड दैट फूड। सो मूविंग ऑन फ्रॉम फूड, व्हाट इज योर फेवरेट सप्लीमेंट? कोई एक होगा ऐसा जो हमेशा आपके स्टैक में होता होगा? ऑफ कोर्स आइसोलेट वे, राइट? So do you only go for isolate, like proper iso? I always use isolate way. Post workout is my favorite thing to use isolate way because we don't get a good quality hydrolyzed protein in India. So I prefer, you know, it's been like 2.5 years I'm using the same company into nutrition, isolate way, which has about 27 gram of carbs and 27 grams of protein. So that is never faced a digestion issue, never faced bloating. It works well on me, तो मैं वही use करता हूँ post workout. Throughout the day, I don't use much supplement, but throughout the day when I'm missing a meal, I'm going out for a meeting or I'm somewhere, especially when I'm not on prep. जब मैं prep पे रहता हूँ तो ये सारी चीजें होती ही नहीं है. हाँ जी. सारे काम बंद. Focus on prep. But जब prep पे नहीं होता हूँ और कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ, तो मेरी गाड़ी के trunk के अंदर में एक whey protein पड़ा रहता है हमेशा. You know, और shaker पड़ा रहता है, तो you just replace. हाँ जी. Otherwise, Perfect. isolate you will always find in my bag. I mean, okay. at my home. Baki aur bhi supplement hai, but isolate is the one, it compulsory, 100% necessary for me. Okay, perfect.